जिंदाबाद 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 हिंदुस्तान में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस जो है गरीब आवाम की आवाज़ को बुलंद करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। वहीं पे इस अष्टवाइल रियासत में जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के प्रेसिडेंट मीर साहब की अध्यक्षता में आज यहाँ पे बिश्नाह में शशि जी के नेतृत्व में तमाम सारे साथियों मिल के इस कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए यहाँ पे धरने पे यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि गूंगी भरी सरकार को हम जगा पाएँ। जिस ढंग से महंगाई के द्वारा गरीब आवाम की कमर तोड़ के इस सरकार ने यहाँ पे रख दी और लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि सरकार कहीं पर इनकी आवाज़ को सुनते हुए कोई कदम यहाँ पर उठाएगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी करते हुए गैस को भी इन सरकार ने यहाँ पे नहीं छोड़ा और पूंजीपतियों की सरकार बन के गरीब आदमी को एक किनारे पे यहाँ पे छोड़ दिया। कांग्रेस जान में कमिटमेंट उसकी लोगों के साथ हमेशा रही, गरीब आवाम की आवाज़ को बुलंद करने के लिए मैं समझता हूँ आज देहातों में वो औरतें जो उज्ज्वल स्कीम का फ़ायदा लेना चाहती थी आज उस स्कीम की भी टाइटाई फिस हो गई और लोग मजबूरी तौर पे गैस सिलेंडर को अलहदा करके लकड़ियों की तरफ उनका रुझान यहाँ पे हो गया। उम्मीद लोगों को बहुत ही जम्मू कश्मीर की आवाम को खास तौर पर कि अगर बजट यहाँ पे बनाएगी नेशनल लेवल पे या रियासी सरकार ने यहाँ पे बनाई तो उस बजट में जरूर प्रावधान यहाँ पे होगा, लेकिन बजट में भी सिर्फ इलेक्शन को देखते हुए उन्होंने यहाँ पे बजट को पेश किया। जम्मू कश्मीर रियासत में जो पैसे की एलोकेशन यहाँ पे रखी उसमें 83,000 करोड़ से भी ज़्यादा लाइबिलिटी यहाँ पे है। तो गरीब आवाम को जो उम्मीद करते थे कि कोई कोरोना के इस विषम काल में भी जब लोगों के पास पैसे की कमी यहाँ पे हो गई, पैसा खर्च करने के लिए कोई साधन यहाँ पे नहीं रहा, तो ये सरकार सिर्फ टैक्स में टैक्स लगाई जा रही है उसका विरोध करने के लिए आज बिश्नाह पे हमने प्रदर्शन यहाँ पे किया, धरने में यहाँ पे बैठे हैं। लोगों में बड़ा गुस्सा है और शायद यही एक वजह थी कि भाजपा को अपनी ज़मीन खिसकती दिखाई दे रही है और जिस ढंग से सारे चुनाव हुए हमारी यह मांग रहेगी कि फौरी तौर पे, क्योंकि हमारी यहाँ पे लोगों की सुनवाई कहीं नहीं, सरकार कहीं नहीं, इसलिए यहाँ पे ज़रूरी हो गया कि इस जम्मू कश्मीर में फौरी तौर पे रियासत का दर्जा वापस मिले, यहाँ पे चुनाव होएं ताकि गरीब आवाम की बॉर्डर में रहने वाले लोगों की भी कोई सुध बुध लेने वाले लोग सामने आए। भाजपा ने जिस ढंग से लोगों को गुमराह करके वोट तो ले लिए, आज कहीं पर भी सड़कों पर गरीब आवाम के साथ नहीं। कांग्रेस कि कमिटमेंट यहाँ पर ही, कांग्रेस ने पहले भी नारे यही दिए कि गरीब आवाम के साथ है और आज भी आप देख सकते हैं कि सड़कों पे कांग्रेस धरना और प्रदर्शन करके उस सरकार को जगाने का प्रयास करती है जिस सरकार से जो उम्मीदें थी। पैसा वोट तो लेके चले गए लेकिन लोग समझते हैं कि आज वो ठगेंगे, इसलिए मांग करते हैं कि यहाँ पर फौरी तौर पर रियासत का दर्जा बहाल हो और लोगों को राहत पहुँचाने के लिए टैक्स की फौरी तौर पर वापसी हो। हमें पुराने दिन ही दे दो, नए दिन मत दे दो। ये जो नारे देते थे कि अच्छे दिन आएंगे, पुराने दिन ही दे दो और सस्ते दिन दे दो, वो मनमोहन सिंह जी की आज सबको याद याद आती है।
जिस ढंग से यूपीए सरकार ने लोगों के हकों में ध्यान रखते हुए उनके हित में फैसला यहाँ किया।